नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक और आज की वीडियो में मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ वन प्लस एटी एंड मी टेंटी प्रो को। दोनों ही एक फ्लैगशिप लेवल फोन है। अभी रिसेंटली दोनों कंपनी ने अपने फ़ोन लॉन्च किए थे, बट MI ने तो काफ़ी गजब फीचर्स डाले हैं अपने इस फ्लैगशिप फ़ोन में। इस वीडियो एंड तक देखते रहो क्योंकि मैं एंड में एकदम प्राइसेस बताऊंगा दोनों फोन्स के। और MI ने तो इतने अच्छे फीचर्स होने के बाद भी इसका प्राइस वन प्लस से कम रखा है, तो काफी अच्छे डाले हैं इस बार MI ने इसके अंदर फीचर्स। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे यूट्यूब चैनल को। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। तो वन प्लस एटी में 6.55 इंचेस की फुल HD प्लस इन्फिनिटी और डिस्प्ले एंड साथ में 24x1080 पिक्सल ऑफ रेजोल्यूशन। बट मी 10T प्रो में थोड़ी सी बिगर है जो है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस इन्फिनिटी और डिस्प्ले एंड इसमें भी है 24x1080 पिक्सल ऑफ रेजोल्यूशन, बट थोड़ी सी डिस्प्ले बिग है इसमें। तो गाइस अगर अब हम बात करें रिफ्रेश रेट की, तो 80 में है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो कॉमन है आजकल फोन्स में 90 या 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ही आता है। बट वहीं अगर हम बात करें 10T प्रो की, तो भाई Xiaomi ने इसमें डाल दिया है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो आप इमेजिन करोगे आपको क्या स्मूथ गेम प्ले मिलेगा, बड़ी स्मूथ स्क्रोलिंग होगी, आपका फ़ोन काफ़ी स्मूथ चलेगा एंड आपको काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है आपको। तो वैसे अगर आप बात करें परफॉर्मेंस की, दोनों फ़ोन रन करते हैं Qualcomm Snapdragon 865 पर जो कि बेस्ड है Android 11 पर। और दोनों ही फोन में 5G चिपसेट, क्योंकि यही है ट्रेंडिंग है, जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज है प्लान कर रहे हैं 5G नेटवर्क इंडिया में लाने का एंड आई थिंक सबसे पहले जियो ही लेके आएगा 5G नेटवर्क। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा, कौन सबसे पहले लाएगा 5G नेटवर्क, बट हमारे फोन्स बिल्कुल रेडी हैं 5G नेटवर्क के साथ। जितने भी आजकल फोन अब लॉन्च हो रहे हैं सब में 5G नेटवर्क ही हमको देखने को मिल रहा है एंड इवन आईफोन ने भी अपने 12 सीरीज में 5G नेटवर्क ही सपोर्ट किया है। और गाइस अगर आप बैटरी की बात करें, तो 80 में 4500 mAh की बैटरी, बट इसी के साथ OnePlus ने इसमें डाला है 65W का वॉक चार्ज, जो इसे बना देता है फ्लैगशिप लेवल फोन, क्योंकि OnePlus का ये पहला फोन है जिसके अंदर हमको 65W का वॉक चार्ज देखने को मिलेगा। बाकी फोन में इतना हाई वॉक चार्जर उन्होंने अब तक नहीं डाला था, ये इनका फर्स्ट फोन है। बट वहीं अगर हम बात करें MI 10T प्रो की, तो उसके अंदर है 5000 mAh की बैटरी, बट मीन इसमें डाला है 33W का फास्ट चार्ज, जो कि इतना बुरा नहीं है। 33W का तो वो हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका फोन इससे भी थोड़ा जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो गाइस अब देखते हैं कैमरास। वन प्लस 80 में क्वाड कैमरा सेटअप जो है 48MP प्लस 16MP प्लस 5MP प्लस 2MP। बट वहीं अगर हम बात करें 10T प्रो की, तो भाई अगर हम वन प्लस के इन चारों कैमरास का टोटल करते हैं तो वो बनता है 71MP। बट मी का एक ही कैमरा इससे भी ज़्यादा है जो है 108MP प्लस 13MP प्लस साथ में 5MP का कैमरा। तो आप मान के चलो आपको क्या गजब फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, यही इसे बना देता है फ्लैगशिप कैमरा फोन। आपको 108MP का दे रहा है भैया, आपको लगे आपने हाथ में DSLR पकड़ रखा हो। गजब कैमरा इन्होंने इस बार डाला है अपने Xiaomi ने। तो गाइस अगर हम बात करें कुछ अदर चीज़ों की, तो 80 में दो वेरिएंट्स हैं जो है 8+128 एंड 12+256 एंड मी में भी दो वेरिएंट्स हैं जो है 8+128 एंड 8+256 GB। और गाइस दोनों फ़ोन में है फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर एंड साथ में ड्यूअल स्पीकर्स। तो फाइनली अब बात करते हैं प्राइजिस की, जिसकी मैंने आपको बोला था मैं लास्ट में आपको बताऊँगा। तो 80 का प्राइस स्टार्ट होता है 43,000 से एंड 10T प्रो जिसके आपको दिख ही रहे हैं कि कितने बेस्ट फीचर्स हैं, वन प्लस से भी ज़्यादा अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं हमको Xiaomi ने, इसका प्राइस स्टार्ट होता है 40,000 से। जी हाँ, इसका प्राइस वन प्लस से भी कम है, 40,000 से इसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है। तो अगर स्पेसिफिकेशंस की तरफ जाएं, तो भाई 10T प्रो में तो काफ़ी गजब फीचर्स डाले हैं इन्होंने एंड इवन इसका प्राइस भी कम है। आप देखो आपको बिगर डिस्प्ले, ज़्यादा अच्छा रिफ्रेश रेट एंड कैमरा तो 108MP का ये दे रहा है। बट वहीं अगर वन प्लस इसका प्राइस अपना थोड़ा कम रखता तो फिर भी मैं इसको रिकमेंड कर सकता था, बट MI ने तो काफ़ी गजब फीचर्स डाले हैं, तो ये काफ़ी अच्छी डील है, इस प्राइस में आप इसको खरीद सकते हो। तो गाइस मैं आपको हमेशा की तरह वही बोलूँगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।